व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूँ गुलाम नबी मद्दीन आज यकम जनवरी दो हज़ार तेईस है और आज दिन है इतवार का नासिक नया साल शुरू हो चुका है लेकिन पाकिस्तान के हालात वैसे के वैसे हैं पाकिस्तान के हालात नहीं बदल रहे हैं पिछले साढ़े आठ महीनों से पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है उसमें इजाफा होता जा रहा है हैरत अंगेज तौर पर मुख्तफ अदाकार हैं जो अपनी अदाकारी दिखा रहे हैं पाकिस्तान की किसी को कोई फिक्र नहीं है हर कोई अपने मफाद के पीछे लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर मीशत की तबाही हो चुकी है पाकिस्तान का अमन तबाह हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान की अवाम डिप्रेशन में जा चुकी है पाकिस्तान के अंदर पचास लाख लोगों की नौकरियाँ जा चुकी हैं रोज़ाना कराची के अंदर अब तो सकूल लुटने लगे हैं स्कूलों के अंदर डाकू घुसकर बच्चों को लूट रहे हैं उनके जो बैग हैं वो उनसे छीन रहे हैं उनकी किताबें उनसे छीन रहे हैं ऐसे हालात पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अमन कायम करना है जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है जिन्होंने मुल्क में इस्तेकाम लाना है और जिन्होंने हुकूमत गुड गवर्नेंस देनी है जिन्होंने आवाम की हिफाजत करनी है वो सब के सब जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं यही वजह है नाजिन कराम आवाम के दिलों के अंदर नफरत बढ़ती जा रही है अवाम पहले से ज्यादा मुतनफ़िर हो चुके हैं उन तमाम अदाकारों से उन तमाम लोगों से जिनकी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो आवाम को रिलीफ देते आवाम को हिफाजत देते आवाम का अवाम की वो हिफाजत करते लेकिन आज वो किसी और काम पर लगे हुए हैं बहर आज कराम साल दो हज़ार तेईस का पहला दिन है पहले दिन ही जो इस्टेब्लिशमेंट का अहम कारिंदा है उसे कराची के अंदर जूते पड़ गए हैं एक तो ये खबर आ रही है और गुजशत चौबीस घंटे से ये वायरल है इस वक्त मामला ये है कि कराची के अंदर बड़ी जोड़ तोड़ जा रही है बल्कि यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर मंडियां लगी हुई हैं और ये मंडियां लगाई गई हैं और यहाँ इन मंडियों में इमरान खान की दुश्मनी और बग्स में माइनस इमरान खान की खातर लोगों को ख़रीदा जा रहा है मसला बलूचिस्तान के अंदर जो आसफ़ जरदारी ने मंडी लगा रखी है वहाँ पर बड़े बड़े सियासतदानों को कहने पर ख़रीदा जा रहा है मफादात के लिए लालच के लिए उन्हें मुख्तलिफ तरह के जो वादे हैं वो दिए जा रहे हैं और उस मंडी के अंदर आसफ़ जरदारी अकेला नहीं है आसफ़ जरदारी के साथ और भी कई खिलाड़ी हैं और भी कई किरदार हैं जो उस मंडी के अंदर शामिल हैं और वह बुहज़ इमरान में माइनस इमरान खान के लिए वहाँ बलूचिस्तान के सियासतदानों को ख़रीद कर आसफ़ जरदारी की सफ़ में शामिल कर रहे हैं ऐसी ही सूरत हाल हमें कराची और सिंध में भी देखने को मिल रही है कराची के अंदर है जो एम क्यू एम के वो धड़े जो आपस में एक दूसरे को मारते रहे एक दूसरे का गला काटते रहे आज उनको इकट्ठा कर दिया गया है जो हाफिज नईम है कराची के अंदर जमात इस्लामी के उन्होंने इस पर वाजे तौर पर कहा है कि एम क्यू एम को किसने इकट्ठा किए हैं कौन है इनके पीछे और कौन इनको इकट्ठा कर रहा है ये तो कहा जाता है कि हम तो न्यूट्रल हैं क्या अगर आप न्यूट्रल हैं तो फिर ऐसे ही एम क्यू एम के जो धड़े हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं अब तो ख़बरें आ रही हैं कि कराची में अलताफ़ हुसैन की भी वापसी हो रही है और उनको वापस लाने के लिए तमाम एम क्यू एम की जो इतिहादी हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं अब ये जो गवर्नर हैं नाजी इकराम कामरान टोरी जो एक एम क्यू एम के हैं इनको कल जूता मारा गया है ये खालिद मकबूल के साथ ये वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नए साल के पहले दिन ही तो इनको जूता मारा गया और वो जूता किसने मारा है वो उनके अपने लोगों ने मारा है जो उनक उनको वोट देते थे वो वो अब इनकी हकीकत जान चुके हैं वो इनसे नफरत करने लगे हैं कराची के अंदर आवाम के खून पर सियासत सदियों से दहाइयों से एक लोग कर रहे हैं कराची के अंदर एम क्यू एम दहाइयों से अवाम के खून पर सियासत कर रही है वो लिसानियत की बुनियाद पर वोट लेती है ठीक है जुल्म हुआ है कुछ लोग उनके मारे गए हैं लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तान को लिसानियत की भीड़ चढ़ा दिया जाए फिर दूसरी तरफ नाजिर क्राम जो कराची के अंदर जो कत्ल व गारतग गिरी इनके दौर में हुई है और इनकी वजह से हुई है उसकी मिसाल नहीं मिलती है अब क्या एक मरतबा फिर कराची को इसी कत्ल व वारतगिरी के मुँह में डाला जा रहा है क्या अब एक मरतबा फिर कराची के लोग इसी 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 भट्टी के अंदर जलेंगे तो ये नाजिल कराम लोगों ने मुस्तरद करके ये कहा कि हमने जूता मार दिया है और जिसने जूता मारा है उसने ये एक तरह से मुस्तरद किए हैं और ये कोई मजाक नहीं है ये कोई मामूली बात नहीं है जहाँ भी जाएंगे पाकिस्तान की आवाम समझती है कि हमारा मुजरम कौन है कौन है जिसने पाकिस्तान को उजाड़ा है कौन है जो चोरों डाकुओं को मुजरमों को इकट्ठा कर रहा है कौन है जो इमरान खान की नफरत में इमरान खान के बुक्स में वो इस तरह की हरकतें कर रहा है बाहर सुन कराची से सिंध से बलूचिस्तान से हर जगह से इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की जा रही है लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि कोई माने या ना माने मैंने कभी अपनी हार नहीं मानी है ना ही हम मैं हार ज, हार जानता हूँ ना ही मैं हार मानता हूँ ठीक है मुश्किल ज़रूर आती हैं लेकिन अब यह हकीकत है कि कराची के अंदर सिंध के अंदर अब तहारीख इंसाफ की हकूमत बनेगी हम सिंध के अंदर भी माफिया को वहाँ से भगाएंगे मारेंगे और उनके मुकाबले उनका मुकाबला करेंगे और उन्हें शिकस्त से दो चार करेंगे और कराची के हालात को दुरुस्त करेंगे ये इमरान खान ने ऐलान कर दिया है फिर साहम इमरान खान ने एक और अहम तरीन नए साल के आगाज़ पर खुशखबरी सुनाई है इमरान खान ने कहा कि अगरचे पिछला साल पाकिस्तान के अंदर ताशद से भरपूर था और पिछले साल के अंदर जो हालात किए गए हैं वो सब के सामने हैं बायदा उन्होंने साल नौ के हवाले से अपनी इंस्टाग्राम जो उनकी आई डी है उस पर उनका जो ज़ायदा उनकी जो पोस्ट है वो नशर की गई है जिसमें इमरान खान ने यह कहा कि साल दो हज़ार बाईस बैक वक्त बेहतरीन और बदतरीन था जती मफाद में गुंदी एक साजिश के जरिए से बेहतरीन कारकरी दिखाने वाली हुकूमत को हटा दिया गया और पाकिस्तान को मुजरमों के एक ग्रोह के हवाले कर दिया गया और उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए किया गया ताकि नैब कानून में तरामीम करके एन आर ओ टू एक ग्रोह को दे दिया जाए जिसने पाकिस्तान की मैशती जमीन बोस कर दी है और इस हवाले से उन्होंने कहा कि वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए लूट मार के दरवाजे खोल दिए गए हैं उन्होंने कहा कि ये साल ये साल बेहतरीन यूँ था कि इस दौरान मैंने यानी पाकिस्तान को एक कौम के सांचे में डलते देखा यानी ये जुल्म तो ज़रूर हुआ है लेकिन साल 2022 में आवाम इकट्ठी हुई मुतहद हुई और उन्होंने अवाम होने का रोल प्ले किया उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और मुतदरा की मुकम्मल पुषपनाही से मुल्क की तमाम सियासी जमातों को यकजा होकर तहारीख इसाफ के खिलाफ सफ़ आर होने के बावजूद तारीख इसाफ़ नेवामी हमायत और तइज से पचहत्तर फ़ीसद ज़मन इंतबात में जो कामयाबी है तहरीक इंसाफ ने वो समेटी और तमाम सियासी जमातों को तमाम ताकत के बावजूद शिकस् से दोचार किया उन्होंने कहा कि आज कल कौमी मंजरनामे पर खूस दिवालियापन के इम्कान के बायस छाई छाई मायूसी के बावजूद मेरा रबुल्जत पर ईमान है और अपनी कौम पर अहतम है कि तहरीक इसाफ़ बिला शुबा दो हज़ार तेईस में इंतबात के जरिए से एक मजबूत हुकूमत कायम करेगी और पाकिस्तान को बहरानों की तलजत से जिसमें इंपोर्टेड सरकार और उसके सरप्रस्तों ने मुल्क को धकेला है से निजात दिलवाने के लिए ठोस ढांचा जाती असलाहत मुतारफ़ करवाएगी यानी इमरान ख़ान का अज़म बुलंद है बावजूद इसके कि उनको गोलियाँ मारी गई उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए लेकिन वो पुरज़म हैं और यही एक ईमान वाले का एक मोमिन का और एक लीडर का ये किरदार होना चाहिए कि उसे कभी भी हालात चाहे जितने भी तलख हो जाए कभी भी उसे मायूस नहीं होना चाहिए और कभी भी उसे अपनी कौम को मायूसी में नहीं धकेलना चाहिए बल्कि कौम को उम्मीद दिलानी चाहिए कि हालात जितने तलख हो जाएँ हालात जितने सख्त हो जाए हम लड़ेंगे हम कामयाबी हासिल करेंगे और दुश्मन और शैतान जो आज से नहीं है आप जानते हैं शैतान ने यही कहा था कि मैं आपके बंदों को गुमराह करूंगा अल्लाह से यही कहा था तो शैतान तो शैतानियत दिखाता है और शैतान के चेले और शैतान के हवारी बहुत ज़्यादा हैं अब शैतानों के सामने बेबस होना ये एक ईमान वाले को एक ईमान वाले को कभी जेब नहीं देते हैं इसलिए इमरान खान का आजम बुलंद है उनके साथ जो आवाम है उनका आजम बुलंद है इसी वजह से आवाम और इमरान ख़ान का जो ईमान है वो अल्लाह पर भी है और इसीलिए तवक्को भी है कि मुश्किलात के बावजूद आसानी आएगी अल्लाह इज़्ज़त का अशात इन न माल यूसरा इसी पर दलालत करता है ये वीडियो आम कर दें मजीद इस तरह की मालूम और खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी खुद भी फॉलो करें दोस्तों के साथ भी नशर करें इजाजत दीजिए असलम वरहिला वरक